बठिंडा जिला पंजाब दे दक्षण पछम च स्थित है। राजस्थान दा थार मरुस्थल नेड़े होण करके इस इलाके दी मिट्टी काफ़ी रेतीली अते हवा खुश्क है। इस इलाके च मीह वाले दिनां दी गिनती भी बहुत घट है। इस जगह च गर्मी दी रुत्त च तापमान 47 डिग्री सैलसीयस तो भी उपर चला जांदा है अते ठंड दे दिनां दे विच इह तापमान -1.4 तक भी चला जांदा है, जिस कारण पेड़ पौद्यां लई बड़े ही माड़े हालात पैदा हो जांदे हन। वन अते जंगली जीव सुरक्षा विभाग पंजाब दे बठिंडा वन मंडल दी टीम वल्लों इन्हां चुनौतियां दे बावजूद वक वक विभागी स्कीमां तहत उपराले करदिआं नवीआं प्लांटेशनां दे नाल नाल पुराणीआं प्लांटेशनां दी सांभ संभाल दा काम बाखूबी कीता जांदा है। जिहड़ा फॉरेस्ट कवर हैगा जंगलां दे थल्ले रकबा बहुत घट हैगा। इत्थे 622 हैक्टर हैगा जो कि तकरीबन 2% बनता है टोटल एरिए का। इस करके असी आए साल जिहड़े पौधे हैगे जंगल नूं वधाउण वास्ते असी फॉरेस्ट एरिए दे विच लाउने आ अते जो दूजियां प्राइवेट थावां हैगियां उत्थे लाउने हैगे। इस साल असी 2022-23 दे विच शहीदे आजम भगत सिंह हरियावल लहर तहत 3 लाख पौधा है जिहड़ा वो 6 विधानसभा हल्कियां दे विच लाया है। 50,000 पौधा जिहड़ा 1 विधानसभा दे विच लाया हैगा वो फॉरेस्ट एरिया तो बाहर हैगा। इस तो अलावा असी 168 तरवैनियां लाईआं हैगियां 6 विधानसभा हल्कियां दे विच। इसे लड़ी तहत वित्तीय साल 2021-22 दौरान वन मंडल बठिंडा वालों 66,000 पौधे HMEL रिफाइनरी नाल MOU साइन करके लाए गए हैं, जो कि आने वाले समय च 1-2 सालों विच अपनी होंद का एहसास कराने लग जाएंगे। बीते कुछ सालों दौरान श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित नानक बगीचियां तैयार कीतियां गईयां हन। इस दे नाल नाल ही श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं समर्पित प्लांटेशनां दा मॉडल भी तैयार किया गया है, जिस विच रिवायती रुखां नूं तरजीह दित्ती गई है। अज दी तेज रफ्तार जिंदगी अते समें दी बचत लई नवीआं सड़कां दी उसारी या पुराणीआं सड़कां नूं चौड़ा करना देश दे चौपक्खी विकास लई बेहद जरूरी है, पर इस विकास लई रुखां दी कुर्बानी हमेशा हुंदी रही है। इसे नूं ध्यान च रखदिआं बठिंडा वन मंडल वल्लों रुखां नूं इक जगह तो पुट के दूजी जगह ते लाया गया है। बठिंडा खेतर दे विच सड़कां दी चौड़ाई दा काम चल रहा है, जिस करके हज़ारां ही रुख जिहड़े हन उन्हां दी कटाई होनी है। इस नूं ध्यान विच रखदे होए उच्च अधिकारियां वल्लों SOPs गाइडलाइनस जारी कीतियां गईआं सानूं भी जिहड़े ट्रीज़ ने इन्हां पूरे ट्रीज़ नूं चुक के दूसरी जगह ते स्थापित कीता जावे। प्रोसैस बहुत ही साइंटिफिक सीगा, महकमे वालों उच्च अधिकारियों वालों सानूं समय समय से गाइड किया गया। तो मैनूं इह दसण च बड़ी खुशी हुंदी है बठिंडा डबली रोड तो असी 50 रुख ट्रांसलोकेट करके लसाड़ा ड्रेन दे विच बठिंडा जिले दे विच ही लगाए अते उन्हां दे विचों 40 रुख प्रफुल्लित हो चुके हैं, आपदे दुबारे उन्हां नूं फटारा पै चुका है। तो मैनूं उम्मीद है भी आने वाले समय दे विच इस प्रोसैस नूं असी होर वड्डे पद्धर ते करांगे तां जो कि साडे रुखां दा जिहड़ा नुकसान हुंदा है वह बचाया जा सके। करोना महामारी ने समाज नूं साफ वातावरण अते रुखां दी अहमियत नूं समझाया है। इसे तहत बठिंडा वन मंडल वल्लों वातावरण जागरूकता पार्क दा निर्माण कीता गया है। ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਨੇਜਿਸ ਲਾਏ। ਹਰੇਕ ਸਾਈਨੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
उन्होंने कोई मेडिसिनल यूज हैगा तो वो प्लस इस जगह के कुछ रवायती रुख साडे वालों भी लगाए गए जिमें कि ढाक हो गया फलाही हो गया जंड के रुख लगाए कुछ बांस के रुख लगाए गए हैं ता कि लोग जो भी इतने आते हैं वो वातावरण प्रति सुचेत हो सकन। ਵਣਮੰਡਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 68 ਤੋਂ 71 ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕੈਂਪਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 21 ਹੈਕਟਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਿੰਮ ਕਿੱਕਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आई हरियाली ऐप हैगी थ्रू असी 1,70,000 पौधा है जिहड़ा लोगों को फ्री सप्लाई किया है वह हरेक सरकारी अदारे प्राइवेट जगह पंचायत जगह उत्थे लाए हुए है। समय की लोड़ है सानू सब नू वातावरण की सांभ संभाल लई अपनी जिम्मेवारी नू समझना होवेगा। आओ सारे रल के वध तो वध रिवायती रुख लाइए अते इस धरती नूं स्वर्ग बनाइए।